जी पैकेट ट्रेसर किसी ने इंस्टॉल की है? जी सर किया। जी चलिए आप उसको ऑन करें, मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मैं पोस्ट आप स्क्रीन सर शेयर, स्क्रीन को शेयर करें। सर एक सेकंड, बस लैपटॉप से ज्वाइन कर। जी स्क्रीन शेयर करें। है लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। फक आपने किए? सर मैंने किया है लेकिन वो लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन कर रहा हूँ लेकिन लॉगिन हो नहीं रहा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसका इशू आ रहा है, वो टैप ही नहीं हो रहा सर लॉगिन पे। गेस्ट लॉग इन करें ना, आप गेस्ट यूजर के तौर पे करें। एहतजाम होस्ट बनाए वापस में। चले अफाक को बनाना, ठीक। अफाक स्क्रीन शेयर करेंगे। सर ये
ओपन करने के बाद ये आता है, गेस्ट वाले कोई गेस्ट यूजर को करो ना, कैसे करो इसको इसको बंद करूं सर तो ये आता है। गेस्ट वाले को खोलो गेस्ट वाले को दो स्कोर देता है ना वो गेस्ट की और अदर की। सर ये ओपन करता हूँ ना तो ये डायरेक्टली वहां पे चला जाता है लॉगिन पे, यहाँ से उधर चला जाता है इधर। नहीं मैं देखा ना नीचे वो आ रहा है ना गेस्ट एज अ गेस्ट यूजर। ये सर वहां पे भी ले आए दोबारा इधर लॉग इन पे। नहीं उसको यूजर पे क्लिक किया था गेस्ट यूजर पे। सर ये इधर यहाँ पे ले आया है इधर गेस्ट पे करने के बाद। इस पे नया यूजर का क्रिएट करो मेरा। किधर सर? जहां पे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है ना तो आपकी आईडी उसके ऊपर नहीं है ना, वो आपको कह रहा है कि आप लॉगिन बनाओ साइन अप करें यहाँ पे नया यूजर पे। ये सर यहाँ पे न्यू लॉगिन कर रहा हूँ तो ये क्लिक भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कंफर्म गैस पे करूँ? यहाँ क्रिएट ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें इसको फिल करूँगा मेरा। यहाँ पे क्रिएट भी नहीं हो रहा लॉक अकाउंट, ये बस पिक्चर्स दे रहे हैं सर यहाँ पे कि वहाँ पे जाके करें, ये फिल भी कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। नहीं उसने आपको क्रिएट नहीं किया, किया तो हुआ है, लॉग इन जी हुआ है। सर ये लॉगिन नहीं है, ये क्रिएट अकाउंट कह रहा है, ये भी पिक्चर है, ये फिल नहीं हो रही। क्रिएट अकाउंट में एंटर योर ईमेल एड्रेस, इधर वो ईमेल एड्रेस नहीं का एंटर करने दे रहा, एंटर नहीं सर ये करो एंटर नहीं हो रहा यहाँ पे कुछ भी, ये पिक्चर्स यार, हैं। रिफ्रेश करते हैं। ऐसे कैसे होगा, तो पहले सेटिंग होगी ना जिसकी वजह से वो ये अपडेट क्या इंफॉर्मेशन मांगेगा। साइन अप के ऊपर क्लिक करो ना, कौन कौन सा लॉगिन बनाएंगे साइन अप यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट के साथ साइन अप है। सर ये पिक्चर है, ये क्लिक ही नहीं हो रही, ये देखें उसके ऊपर वो ही नहीं आ रहा है, लिंक ही नहीं खोल रहा है वाला। अगर ये पैकेट ट्रेसर के अंदर से जाके करता हूँ ये न्यू अकाउंट तो तब भी ये नहीं ओपन हो रहा। इसको बंद करो, ब्राउजर सारे बंद करो। ओके सर कर दिए सर। इसको भी बंद करो, जी सर कितने खुल ये सामने जो खोले हुए हैं इनको सबको बंद कर, जितने भी इसके सिस्को की चीजें खुली हुई पेजेस खुले हुए हैं सबको बंद कर। कर दिए सर अब बंद। जरा ट्रेसर पे जरा क्लिक करो,
देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, यूजर लॉग इन है और गेस्ट लॉग इन है। जी सर, आप जरा यूजर लॉग इन पे जरा क्लिक करो, पहले इसको देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये सर साइन इन। यूजर लॉग इन पे यहाँ पे ले आया है। अच्छा वो जरा गेस्ट लॉग इन पे आओ जरा। सर वो इधर ले आया। अच्छा यूजर लॉग इन पे क्लिक करो जरा। लेंथ 10 आवर्स, कॉस्ट है फ्री, लेकिन फ्री भी वो बिस्टरी किसने लगाया हुआ है। इसको बंद करो जरा। यूजर लॉग इन पे क्लिक करके साइन अप करो। ये यूजर लॉग इन था। जी सर, ये यूजर लॉगिन आ गए इसको यहाँ बटन प्रेस पे। करो। न्यू लॉग इन एंड अकाउंट क्रिएशन। हाँ जरा जरा जी यहाँ सर पे ओपन क्लिक ही करो। नहीं हो रहा, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं ओपन हो रहा। यहाँ पे ऊपर नहीं होगा। नो सर, कंफर्म टेस्ट करो। गेस्ट मैं अपनी आईडी के साथ देखता हूँ। करना जरा। हाँ चले, स्टार्ट हो गया। हो गया। कैसे जी सर हो गया, हुआ? कंफर्म वो कंफर्म गेस्ट की ऑप्शन आ गई थी नीचे। यस सर, ये हो गेस्ट जाता है ऐसे। हो जाना चाहिए। अच्छा जी आए जरा जी, एक स्विच को जरा, एक स्विच में सर ये स्विच ऑन स्विच भी कौन सा लिया है? पहले 2960 ठीक है। चले जी सर। दो कंप्यूटर ले। देखो हम दो अलग अलग नेटवर्क के अंदर डाल लेंगे, दो वीलैंस के ऊपर। ये वीलैन 10 के ऊपर जाएगा, वो वीलैन 20 के ऊपर जाएगा। यस सर। इनको जरा कनेक्ट करो। सर केबल कौन सी? केबल नहीं, आपको पता कि इनको किस केबल के साथ कनेक्ट करना है? आप फ्री ना, स्ट्रेट स्ट्रेट केबल। डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो कौन सी केबल लगेगी? सर स्ट्रेट केबल लगेगी। कनेक्ट करो। सर फास्ट इंटरनेट के साथ। आप ऐसे कर रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम ये चीजें आप कर रहे हो। पहले भी इसका मतलब है आपने लैब के अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ है ना? स्विच को ऑन करो जरा, बल्कि स्विच की प्रॉपर्टी के ऊपर जाओ जरा। सर डिवाइस के ऊपर क्लिक करो सिंगल। हाँ अच्छा, इसकी आओ कॉन्फ़िगरेशन में हो जरा। कॉन्फ़िगरेशन में आप आ जाओ जरा वीलैन डेटाबेस के अंदर। वीलैन डेटाबेस यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफॉल्ट वीलैन 1 है, FDDI default 1002 है, टोकन रिंग डिफॉल्ट और FDDI नेट और टी नेट डिफॉल्ट, ये कुछ वीलैंस ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारा काम ये है कि हमने दो वीलैंस क्रिएट करनी है
और हमने दो सिस्टम्स को उस वीलेंस के अंदर डालना है। तो आप फिर 5, 6, 8, 10 जितने आपके सेक्शन हो, आप उन्हीं उन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली आप वहां पे अपनी वीलेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वीलेन नेम और वीलेन नंबर। यहाँ पे दें जी वीलेन का नेम दें HR। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम आपने एक डिपार्टमेंट HR के लिए अलहदा से जो है ना वो बनाना है, तो वीलेन का नेम के ऊपर दें HR और इसको नंबर दें 20। ठीक है, HR वीलेन हो गई और ऐड कर दें। ठीक है, आपके वीलेन के अंदर एक नई वीलेन ऐड हो गई है और नीचे देखें उसकी कमांड भी आ रही है VLAN 20 नेम HR। ठीक है, तो ये नेम उसका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब एक और VLAN आपने क्रिएट करनी है फाइनेंस, उसका नंबर 10 रख दे। ये जो नंबर ऑलरेडी मौजूद है इन नंबर को आप यूज नहीं करेंगे, इनके अलावा कोई भी नंबर आप वो रख सकते हैं। ठीक है, इसको दे दें 10। अब फाइनेंस की ऐड कर दें। अभी फिलहाल हमने दो VLAN ऐड की हैं, एक फाइनेंस 10 नंबर के साथ और दूसरा HR 20 के साथ। ठीक हो गया, ऐसे ही आपने 5, 7 जितनी भी आपको वीलेंस चाहिए आपने वहां पे क्रिएट कर देनी है। उसकी कमांड है यहाँ पे वीलेन, आगे 10 पहले आएंगे वीलेन डेटाबेस के अंदर। इसको जरा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाओ, नीचे वाला जो है ना स्क्रॉल, नीचे 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 कमांड बेस के अंदर स्क्रॉल है, उसको ऊपर ले जाओ, बिल्कुल ऊपर नहीं थोड़ा सा नीचे जाओ ताकि पता चले जाओ स्टार्ट हुई थी कमांड एक आई थी, थोड़ा सा और नीचे करो। ये देखें वीलैन डेटाबेस, उसके अंदर गए थे ना डेटाबेस का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था अनेबल और वीलैन डेटाबेस, तो आप वीलैन के अंदर आ गए थे। ये कमांड है कि आपने किस तरह से कमांड बेस चीजों को कन्फिगर करना है। तो कमांड बनेगी ग्लोबल कन्फिगरेशन, वहां पे जाके जो है ना वो जो आपकी मेन एनेबल मोड के अंदर जाके वीलैन डेटाबेस, और वहां पे भी आपने वीलैन डेटाबेस को सिलेक्ट किया था तो उसकी कमांड नीचे आ गई थी। अब नीचे करें जरा इसको, और जब वीलैन डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया तो आप वीलैन के अंदर आ गए हैं, तो नीचे करें। ठीक है, अब वीलैन देखें उसके साथ स्विच के साथ नेम है और आगे वीलैन उसका मोड आ गया है। तो यहाँ पे आपने कमांड दी वीलैन नंबर 20 नेम HR, VLAN 10 नेम फाइनेंस। इस तरीके से 5, 6 जितनी भी आपको VLAN चाहिए आपने उनको क्रिएट कर देना है। ये आपकी VLAN क्रिएट हो गई। ठीक है, इसको बंद कर दे। नंबर और इनके नेम याद कर लें कि VLAN कौन कौन सी आपने क्रिएट की है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आपके पास दो सिस्टम हैं, एक को आपने फाइनेंस का हिस्सा बनाना है वीलैन का, दूसरे को आपने HR वीलैन का हिस्सा बनाना है। ये पहले वाला जो सिस्टम है जो PC 0 है इसके ऊपर आपने एड्रेस देना है, ये डिफरेंट एड्रेस के साथ होगा, और दूसरा जो सिस्टम है वो एक दूसरे नेटवर्क के साथ होगा। इसके ऊपर आए जरा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए, इसके फास्ट इथरनेट में जाए, इसका एड्रेस देखें क्या है, नेटवर्क कौन सा है, ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, यहाँ पे इसका एड्रेस दे। मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस? नीचे आईपी एड्रेस के ऊपर 192.168.1.0 1.1, ये 1.0 नेटवर्क के साथ बिलोंग कर रहा है, तो नीचे सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमने 1 नेटवर्क को रख दिया। ठीक है, ये 1 वाले नेटवर्क के साथ है, दूसरे सिस्टम के साथ इसी जैसे सिस्टम होंगे तो 1.1, 1.2, 1.3 ये इसी जैसे आ जाएंगे। दूसरे के लिए हमने नेटवर्क अलग कर दिया 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से हमने उसके लिए जो नेटवर्क है वो सेपरेट कर देना है। तो इसको जो है ना वो अब इसके डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, इसको देखें जरा इसकी सेटिंग में, जरा सेटिंग में ग्लोबल सेटिंग है जी सर, और इंटरफेस ठीक है, एड्रेसेस हमने दे दिए, इसको एड्रेस दे दें, बंद कर दें, इसको बंद कर दें। सेम दूसरे के ऊपर आए,
और उसको एड्रेस दें, उसका नेटवर्क डिफरेंट है, ठीक है, 182.168.2.1। अब 1.1 एक नेटवर्क है, 2.1 दूसरा नेटवर्क है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ बिलोंग करते हैं, क्लोज कर दें इसको। अब हमने स्विच के अंदर इनकी जो पोर्ट्स हैं जिनके साथ आपने इनको कनेक्ट किया हुआ था, वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का हिस्सा है। हमने क्या करना है, इसकी जो पोर्ट है, आप देखिए जरा इसके ऊपर जरा कर्सर लेके आए स्विच के इस पोर्ट के साथ जिसके साथ ये कनेक्ट है, VLAN सारी की सारी पोर्ट्स 1 के साथ है, ठीक है, 0/1, 0/2 दो आपने कनेक्ट किए हुए हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जरा लेके जाएं कर्सर, जिस जो डॉट बना हुआ ग्रीन वाला, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको बताएगा कि ये फास्ट 0/1 है, जो कि PC 0 के साथ है। PC 0 वाला जो सिस्टम था, अब अगर हमने HR वाले VLAN के अंदर डालना है तो हमें इसको, इसकी पोर्ट को यहाँ से VLAN 1 के अंदर से निकाल के HR वाले VLAN के अंदर डालेंगे, हिस्सा बनाएंगे, दूसरे को हमने फाइनेंस के साथ वो डालना है। तो इसको नंबर नोट कर लें, 0/1 ये पोर्ट है और 0/2 दूसरी पोर्ट है, तो 0/1 को आपने HR में डालना है। आए जरा स्विच के ऊपर जरा दोबारा से, अब आए जरा पोर्ट के ऊपर, 0/1 के ऊपर क्लिक करें, फास्ट इथरनेट 0/1, उसके सामने जो मोड है वो एक्सेस मोड है और VLAN क्या है, 1 है। आप इसके ऊपर जरा क्लिक करें VLAN के ऊपर, तो आपकी पर वो VLAN सारी की सारी आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, आप 1 को खत्म करें और इसको HR में डाल दें, एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगी। तो VLAN 1 से निकाल के आपने इसको हिस्सा बना दिया HR VLAN का, ठीक हो गया, ओके करते हैं। दूसरी साइड पे दूसरी पोर्ट को देखें, इसको नहीं स्विच की ही पोर्ट को देखना है, सिस्टम के ऊपर सेटिंग नहीं करनी, सर इसको फाइनेंस के तो साथ ये आ कर, जाएगी फाइनेंस, ये फाइनेंस में आएगी, एक को हमने HR में डाल दिया है, दूसरी को फाइनेंस में डाल दिया, बंद कर दे इसको जरा, क्लोज कर दे। अब दो सिस्टम है अलग अलग, अब हम सिमिलरली एक एक सिस्टम और इनका डाल लें ताकि आपस में तो इनकी कम्युनिकेशन हो ना, दो सिस्टम और डाल दें, ठीक है, 2 वाले को भी जो है ना वो कनेक्ट करें, ताकि हम, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि आपस की VLAN के साथ हो उनकी कम्युनिकेशन हो रही है, दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन वो नहीं होगी। इसको 3 के साथ डाल दें, उसको 4 के साथ डाल दें, दूसरे को 4 के साथ डाल दें, सिस्टम में आए, एड्रेसेस चेंज करें, उसका IP एड्रेस असाइन करें, फास्ट इथरनेट 0/0, ये अच्छा जी, 182.168.1.2, पहले वाले को 1.1 रखा था, ये 1.2, ये उसी नेटवर्क का दूसरा सिस्टम आ गया। सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करें जरा, सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करो, हाँ क्लोज कर दो, वन एंड 2.168.2.2, क्लोज। अब स्विच के अंदर जाओ, ये 3 वाली पोर्ट और वो 4 वाली पोर्ट के साथ कनेक्ट है, तो 0/3 वाली पोर्ट के ऊपर क्लिक करो, इसको भी HR के अंदर डाल दो, ये दो सिस्टम HR के साथ बिलोंग करते हैं, क्लोज। और 0/4 वाली जो पोर्ट है वो फाइनेंस के साथ है, दो सिस्टम फाइनेंस के हैं, दो सिस्टम HR के हैं, बाकी सारी की सारी जो बाकी पोर्ट्स हैं वो अभी भी
वीलैन वन के अंदर है, वो उससे कोई गर्ज नहीं है हमें, हमने अपनी वीलैंस को देखना है, उसको बंद कर दो। अब दो सिस्टम आपके एचआर के अंदर हैं, दो सिस्टम आपके फाइनेंस के हैं। अब एचआर वाले अपने कंप्यूटर्स के साथ अपने नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, और जो ए फाइनेंस के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि उनके नेटवर्क सेपरेट करती हैं। आप आए PC 0 के ऊपर, इसके डॉस बेस मोड ओपन करें, कमांड बेस, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाए, यहाँ पे करें पिंग PING स्पेस 192.168.1.2 तो ये आपस का अपने नेटवर्क का दूसरा जो कंप्यूटर था उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, एक वीलैन के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, एचआर वाले आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा आए जरा दूसरी दूसरे सिस्टम के ऊपर आए, इसको इसको जरा मिनिमाइज कर दें, मिनिमाइज कर दें बस, बाद में जरूरत पड़नी है उसकी। अच्छा आए सिस्टम 3 के ऊपर जरा, पिंग इस सिस्टम का एड्रेस है अपना 182.168.2.2 था, तो हमने 2.1 को पिंग करना है, तो 2.1 को पिंग करेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा, 2.2 इसका था, 2.1 इसके दूसरे वाले इसी नेटवर्क के अंदर दूसरा जो सिस्टम था उसका एड्रेस था। तो ये दोनों नेटवर्क्स, दोनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने जो सिस्टम्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब इसके साथ ये है फाइनेंस का, और एचआर के कंप्यूटर को पिंग करना चाहता है तो क्या पॉसिबल है, पिंग करें यहाँ पे 192.168.1.1 या 1.2 किसी एक को भी करके देखें, जवाब नहीं आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, तो अपने नेटवर्क से बाहर जाके दूसरे नेटवर्क को वो पिंग नहीं कर रहा, स्विच ने क्या किया, सेगमेंट्स अलग अलग कर दिए, अपने वीलैंस अलग अलग बना दी, अलग अलग वीलैंस अपने स्विच के अंदर अपने अपने नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, दूसरे नेटवर्क के साथ किसी भी कंप्यूटर को वो जो है ना वो पिंग नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने वीलैन जो है ना वो क्रिएट की है। अब आपने आपका टास्क ये है, इसको क्लियर करें जरा, इसको भी जरा मिनिमाइज कर दो। अब ये तो हो गया जी, एक स्विच के ऊपर किस तरह से आपने वीलैंस क्रिएट की हैं और दूसरी साइड के ऊपर भी आपने वीलैंस बनानी है, एक स्विच के ऊपर रहते हुए हमने दो वीलैंस बनाई हैं और इनके अंदर ये चीजें जो है ना वो डालनी है। अब आपने करना क्या है, इसको मिनिमाइज, इसको जो है ना वो कैंसिल करें, मिनिमाइज कर दें, मुझे होस्ट बनाए जरा, मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, आपने करना क्या है, एक स्विच के ऊपर एचआर और फाइनेंस की दो वीलैंस बनाई, दो दो सिस्टम उसके अंदर डाल दिए, एक और स्विच बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, ये हमने एक स्विच लिया, इसके ऊपर दो हमने जो है ना वो सिस्टम अटैच किए, एचआर के थे ये, दो फाइनेंस के थे, ये आपस में तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, एक और स्विच लेना है, उधर भी सेम वीलैंस क्रिएट करनी है, एचआर और उसका नंबर और फाइनेंस और उसके नंबर के साथ, तो दो वीलैंस यहां पे आ जाएगी, एक सिस्टम यहां पे डाल देंगे, एक सिस्टम यहां पे डाल दें, बल्कि दो दो सिस्टम यहां पे डाल दें उसी तरीके से, ठीक है, दो एचआर के दो फाइनेंस के, तो एचआर एचआर के साथ
कम्युनिकेशन करेगा इधर भी और फाइनेंस फाइनेंस के साथ कम्युनिकेशन करेगा इधर भी। अब इनको आपस में जब करेंगे कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये ट्रंक लिंक बनेगा। ट्रंक लिंक की वजह से ये वाला कंप्यूटर इधर भी जाके इनके साथ कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि ये सेम नेटवर्क है ना, ये सेम नेटवर्क है, दो सिस्टम इधर हैं, दो सिस्टम उधर हैं। सिमिलरली दो कंप्यूटर इस वीलैन के ऊपर हैं, दो वीलैन उधर भी सेम वीलैन के ऊपर हैं, तो दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी आपस के नेटवर्क के साथ दो डिफरेंट स्विचेस के ऊपर ओवर द ट्रंक लिंक होगा। तो ट्रंक लिंक होने की वजह से दो डिफरेंट स्विचेस के दरमियान सेम वीलैन के अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है। तो अब आपने ये वाला जो टास्क है इसको बैठ के आपने परफॉर्म करना है, और दो डिफरेंट स्विचेस के दरमियान सेम वीलैन के अंदर एक ही नेटवर्क के अंदर आपने उनको कम्युनिकेशन करवानी है। तो ये चीजें आपने बैठ के आज का जो भी आपका टास्क है आपने ये चीज परफॉर्म करनी है। समय लग गई है? यस सर। ठीक इसको बैठ के जो है ना वो अभी आप परफॉर्म करेंगे। उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर उसको बाद में देख लिया जाएगा। तो ये आपकी लैब की एक्टिविटी है जो आपने बैठ के भी करना है, और उसके बाद फिर आपका जो है ना वो क्विज भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ करने जरा, जी सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। ओके सर।